आपका नाम क्या है? दीपांश दुबे। किस स्कूल में आप पढ़ते हैं? सरस्वती ज्ञान मंदिर। ये बहुत बार खड़ा कर चुके हैं और फीस के लिए खड़ा करते हैं। फीस के लिए जी। कितने घंटे आपको बाहर खड़ा करते हैं? एक आध दो घंटे। एक दो घंटे आपको बाहर खड़ा करते हैं जी। अच्छा, तो फीस आप समय पे नहीं दे पाते, इसलिए ऐसा करते हैं वो जी। तो आपको क्यों खड़ा करते हैं? आपने कहा नहीं कि आप हमारे पेरेंट्स से बात करिए? कहते हैं हम मोबाइल से नहीं बात करेंगे। अच्छा, वो मोबाइल से बोलते हैं, नहीं बात करेंगे जी। अच्छा, और आपका डेट ऑफ बर्थ स्कूल में खराब कर दिए हैं क्या उसमें मार्कशीट में? जी नहीं। हाँ, मेरी दीदी का खराब किया है। आपके दीदी का खराब किए हैं, बदल देते हैं इसे परेशान करने के लिए जी। मैं सुरेंद्र प्रसाद दुबे, निवासी गढ़। मैं गया था बच्चों की फीस जमा करने। मैं फीस जमा किया, बच्ची की फीस पहले ही जमा कर दिया था। प्रिंसिपल सर से मैं बात भी किया और बोला कि सर, आप जो बच्चों को खड़ा करते हैं एक घंटे दो घंटे, ये कहाँ की रीति है, ये गलत बात है। उन्होंने आवेश में आके मुझसे यही कहा, मैं बच्चों को अभी भी खड़ा कर सकता हूँ। तो मैं यही कहा कि ये तो फिर गलत बात है और ये सरहंगाई वाली बात हो गई, आपको जो है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले मैं अभी खड़ा करता हूँ। तो मैं भी गुस्से में आ गया, तो मैं भी बोला कि चलिए हमारे सामने हमारे बच्चों को खड़ा करिए, मैं देखता हूँ आपको। तो फिर कुर्सी पे बैठे थे वो भी, मैं भी बैठा था। तब उन्होंने क्या किया कि अपने भी कुर्ते की बाहों सकेलने लगे, दो चार स्टाफ और आ गए हैं। मैं अकेला गया था, मोबाइल भी नहीं ले गया था कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ। और फिर स्टाफ लोग, मैं भी सामने खड़ा हुआ तो मुझे पकड़े। तो हम यही कहे कि पकड़ना उनको चाहिए कि मुझे पकड़ रहे हैं आप लोग ज़्यादा तादाद में हैं, तो मतलब क्या हम आपसे लड़ने थोड़ी ना आए हैं। हम बच्चों को शिक्षा दिलवाने के लिए आए हैं, फीस जमा करने के लिए आए हैं, और आप लोग इस तरह से करेंगे तो अभिभावक तो परेशान होंगे, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, ये गलत बात है। इतना बात कह के मैं फिर वहाँ से चुपचाप वापस आ गया। मेरे बच्चे का नाम दीपांश दुबे है, फोर्थ क्लास में पढ़ता है। बच्ची का नाम शैलजा दुबे है, वो सेवन्थ क्लास में पढ़ती है। बच्ची का डेट ऑफ बर्थ, आज तीन चार साल से कंटिन्यू उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हर साल की मार्कशीट में बदल बदल के आ रहा है। एक दो बार हमने बात भी किया तो उन्होंने बोला, इससे पहले जो सनराइज स्कूल में पढ़ती थी बच्ची, वहाँ से उन्होंने ख़राब किया है। तो जब मैं एडमिशन दिलवाने गया था तो उस टाइम पे ये अनुज यादव जो प्रिंसिपल हैं, बोले कि आप एडमिशन करवा दो हमारे स्कूल में, ये हमारा काम है, हम उनसे सुधरवा लेंगे। तो उन्होंने नहीं सुधरवा पाया। फिर मेरे को बोले कि आप सरपंच से लिखवा के दे दो। मैं सरपंच से भी लिखवा के दिया, सील साइन करवा के दिया, फिर भी डेट ऑफ बर्थ मेरी बच्ची का नहीं सही हुआ। जितने वर्ष से पढ़ रही है कंटिन्यू हर साल चेंज हो रहा है। ये वीडियो मेरे संज्ञान में अभी तो नहीं आया है, यदि आप ऐसा कह रहे हैं और मेरे संज्ञान में यदि आता है तो इसकी मैं विधिवत जांच कराऊंगा, और जांच कराने पर इस तरह की घटना है तो निश्चित रूप से वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ का जो मैनेजर है, व्यवस्थापक है, प्रिंसिपल, उनकी पहली बार इस तरह की बातें आप लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में लाई जा रही है, इसके पहले नहीं लाई गई थी। और इस बार भी इसकी जांच कराने पर यदि दोषी पाए जाते हैं तो उचित कार्रवाई करेगी। मेरे तो प्राइवेट विद्यालय है तो प्राइवेट विद्यालयों के लिए उनकी मान्यता समाप्त करना मेरे हाथ में होता है, और बाकी कार्रवाई प्राइवेट विद्यालयों के लिए मैंने कुछ नहीं कर सकते, उनकी मान्यता नहीं, मतलब क्या कार्रवाई।